मध्य प्रदेश में छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 161 करोड़ रुपए में टेलीविजन खरीदी की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा विभाग के अफसरों ने 24 घंटे में तय कर ली। इसमें खास यह है कि टीवी कमर्शियल खरीदे जाएंगे या डोमेस्टिक, ये नहीं दिया गया है। उनकी गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के DEO को एप्को में ट्रेनिंग के लिए भोपाल बुलाया। उनसे उनके पासवर्ड ID से जेम पोर्टल पर खरीदी का सामान अपलोड करवा दिया गया। DEO का कहना है कि क्या सामान खरीदा जा रहा है, किस कंपनी का है, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनके स्वास्थ्य और आंखों पर विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर 15 से ज्यादा जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि पहली बार में 3,50,00,000 रुपए की खरीदी करवाई जा रही है। इसमें ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? DEO को डर है कि अगर गड़बड़ी हुई तो जिम्मेदार वे ही होंगे, रिटायर होने के बाद पेंशन से कटौती की जाएगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने तो इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया और DEO से एक साथ उन्हें बुलवा कर जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए हैं उनके या उसकी गुणवत्ता और उनके उद्देश्यों का कोई जिक्र नहीं है, तो उसमें बड़े घोटाले के संकेत हैं। शिक्षा मंत्री जी को चाहिए कि वो स्पष्ट करें कि उनकी नीति और उसका उद्देश्य और उसकी गुणवत्ता को लेकर उनकी भावनाएं क्या हैं। जानकारों की माने तो कमर्शियल TV की लाइव 50,000 घंटे रहती है, जबकि डोमेस्टिक की 15,000 से 20,000 घंटे। यह कंपनियां तय करती हैं। पिछले एक साल पहले 1400 स्मार्ट क्लास के लिए एक TV और एक कंप्यूटर की खरीदी की गई थी। रायसेन, विदिशा और दमोह समेत अन्य जिलों में जो सामग्री खरीदी गई थी उसके स्पेसिफिकेशन न होने से घरेलू TV खरीद लिए गए। वहीं यह विवाद सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़बड़ी मच गई है। दिनेश शुक्ल, INS 24 से भोपाल।